हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस न्यू रीडिंग में। आज रीडिंग टाइमलेस होगी। आप सभी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, सो आई एम रेडी आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। आर यू रेडी? कमेंट डाउन, आर यू रेडी ब्लेसिंग्स के लिए? आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंजल्स को बोल के। एंजल्स क्लीन दिस स्पेस, एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए। आपके रिश्ते में क्या हो रहा है ये देखेंगे। आराम से बैठिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आप लेट उठे हो और सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, कुछ मिनटों के कारण आप काफ़ी ज़्यादा रश कर रहे हो, बस इधर से उधर भाग रहे हो, खाने की फुर्सत नहीं है, बैठने की फुर्सत नहीं है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप घबराओ मत, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आगे की ओर क्या होने वाला है, आपको कैसा फील हो रहा है ये मत सोचो, बस थोड़ी देर बैठो और चैन से सांस लो, बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। आजकल मौसम इतना सुंदर हो रहा है कि आप जाओ और ऊपर जाकर बारिश हो रही है, आसमान को देखो, बादल को देखो, यू विल फील अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट बेटर। यू विल फील कि यू आर एट पीस। ओके, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं अगर बताऊँ, आपके पर्सन एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। करेंटली आपके पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे ना इनको, इनका जो फैसला है वो कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, स्पेशली इनके अपने आसपास वालों से ये ऐसे घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अपनी हर चीज़ को दूसरों को बता के प्रूव करना पड़ रहा है। बहुत सिंपल सादे सीधे ये इंसान हैं। दिल से मैं बताऊं, आज से 5-6 साल पहले ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने लिए लड़ाई की है। या ये मान लो कि अगर इनके घर वाले आप दोनों के बीच में आ रहे हैं ना, इन्होंने अपने घर वालों की कौन सी बात नहीं मानी। मतलब दिन को दिन कहे, रात को रात कहे, ये चीज़ बहुत अच्छे से ये पर्सन मान लेते हैं। जो जो उनके घर वाले कहे, ये अच्छे एक श्रवण कुमार की तरह, या फिर फीमेल है तो भी मैं बोल रही हूँ, अपने घर वालों की हर बात मानते रहे हैं, जिसे कहते हैं एक आदर्श पुत्र या पुत्री। दूसरों को खुश करने के लिए ये बहुत ही इंसान स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा संस्कारी नज़र आ रहा है, ठीक है, अपनी इच्छाओं को दबाता हुआ नज़र आ रहा है। इस सिचुएशन में ये इंसान तो बड़ा हो गया है,
लेकिन ऐसा लग रहा है इनके आसपास वाले अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है इनके आसपास वालों ने अभी तक आपके पर्सन को समझा नहीं है। जब ये पर्सन आपके साथ प्यार में है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था आपको लेके इतनी ज़्यादा खुशी, जैसे कि इनका सोलमेट, इनका सोल पार्टनर मिल गया हो। देर इज़ समथिंग अबाउट यू जहाँ इनको देखते ही लगा है कि यू आर द वन, यू आर द ओनली वन जिसके साथ ये रहना चाहेंगे। आपको देखते ही इन्होंने फैसला कर दिया है कि यू आर द ओनली वन जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे, यू आर द ओनली वन जिसके साथ ये कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर प्लान कर चुके हैं, और बहुत डीपली ये पर्सन अपना फ्यूचर प्लान कर चुके हैं। लाइफ के इस कगार पे है, आपको इतना ज़्यादा ये चाहने लग गए हैं, आपको ये इस पेडिस्टल पे रखते हैं कि अगर आप इनको बोलोगे कि नहीं किसी और को चुन लो या किसी और को ले आओ, तो ये चीज़ आपका पर्सन का दिल तोड़ रही है। बहुत हैरान है ये पर्सन, बहुत हैरान है इस चीज़ को देख के कि इनके घर वाले इनके साथ नहीं हैं। बहुत लोगों के केस में इन्होंने आपको बता दिया है, बहुत लोगों के केस में इन्होंने आपसे ये बात छुपाई होगी, क्योंकि जिस घर वालों के बारे में ये आपको पूरा भरोसा दे रहे थे कि इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकी तरफ से कोई इशू नहीं होगा, वहीं देखा जाए कि इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है इनके घर वालों की तरफ से कि आपको ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आपको ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके सामने ऐसा लग रहा है कि ये बहुत शर्मिंदा है, इनको शर्म आ रही है। जिसको ये पर्सन इतनी तारीफ़ कर रहे थे, जिनको लेकर आपको विश्वास दे रहे थे, आपका रिश्ते की नींव जो है देखा जाए तो कभी भी ऐसे नहीं रहे कि सिर्फ लवर्स रहेंगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएंगे और आगे का आगे सोचेंगे। आपके पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया ही है, आपको अपनी लाइफ में रखा ही इसलिए था। डे वन से ये पर्सन आपको बोल रहा है कि इनको आपसे शादी करनी है। ये जो सपना है ना, ये जो इच्छा है आपके अंदर, ये किसी और ने नहीं, आपके पर्सन ने ही जगाई है आपके अंदर। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने आपको यकीन दिलाया है कि यू आर द वन, तुम ही मेरी वाइफ हो, तुम ही मेरे हस्बैंड हो। आपको कभी लगा भी नहीं, आप हो सकता है कि बिन शादी के भी आपको ऐसा फील हो रहा हो कि जैसे कि आप इनके घर के मैटर्स में ही हो, ऐसा फील हो रहा हो जैसे कि आप इनके सामने ही हो, जैसे कि आपको पता ही लग रहा हो कि ये कैसा फील कर रहे हैं, जैसे कि आपको इनके सामने ही आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप इनके घर के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, इनके साथ ना होते हुए भी कि आपको पता है कि इनके घर का हर एक मेंबर कैसा है। जैसे कि इन्होंने बताया, किसने इनको कुछ कह दिया तो भी आप इनका साथ देते थे, जबकि आपने यहाँ पे 10 of Cups और 9 of Cups की एनर्जी से ऐसा लग रहा है आपने हमेशा इनको एनकरेज किया है, कभी नहीं बोला कि किसी घर वाले को उल्टा बोलो या भड़काओ या कुछ भी। आपने हमेशा से इनको ये बोला है कि इससे बना के रखो, कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो उससे दूर रहो, ना बहस करो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना शादी हुए ही, बिना इनके घर जाए ही आप इनके घर का पार्ट हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन ने इतनी बखूबी देखी है कि आपके पर्सन ये चीज़ चाह रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि रिजेक्शन का मुँह लेके आपके पास जाएं। ठीक है, वो ये नहीं चाह रहे। इस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ये एनर्जी बता रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 of Pentacles, और यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है आपने इस पर्सन की ना फाइनेंशियली भी हेल्प की है, कोई पैसा आपने उधार इनको दिया है एक प्यार के लिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई सबूत नहीं रखा है, कोई कागजी आपने चीज़ें नहीं लिखी है, इस वजह से आपने इनकी हेल्प की। ठीक है, आपने भी कहीं से अरेंज करके हेल्प की है, या ऐसा लग रहा है कि आपने जो पैसा अपनी सेविंग्स के लिए बचा के रखा था, पढ़ाई के लिए हो सकता है या अपने घर वालों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है ना
कि आपने कोई चीज़ सीखने के लिए, कोई कोर्स हो सकता है, कुछ के लिए बचा के रखा था अपने पास, वो भी आपने इस पर्सन की हेल्प के लिए दिया है इनकी ज़रूरत के टाइम पे, और अभी ऐसा लगता है कि आपका मनी मुझे स्टक नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका मनी मुझे स्टक नज़र आ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है ना कि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आपका पैसा डूब चुका है, क्योंकि इन्होंने बातचीत बंद कर दिया, तो आप अपना पैसा मांग भी नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ की वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब ये तो आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को लेके बैठ गए हैं, या हो सकता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा समय मांग रहे हो। जब जब आपको ये इस बारे में बोल रहे हैं ना, नहीं, आपने बोला है जब जब कि आपने इनकी हेल्प की है जो भी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आपको प्यार का हवाला दे के वेट करवा रहे हैं। कईयों के ऐसे भी केस में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की, ये बिल्कुल कॉन्टैक्ट काट के बैठ गए हैं, ना कोई जवाब, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेजेस, ना किसी चीज़ का ये पर्सन उत्तर दे रहा है। तो आपको, आपके मन में कहीं ना कहीं डर है, आप टॉलरेट कर रहे हो, आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने घर पे भी नहीं बता सकते। बट दिस पर्सन, इन्होंने आपको हमेशा से सपना दिखाया है, इस वक्त भी ये पर्सन रेडी है, ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं, इनकी कोई ऐसी मतलब मकसद नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उस चीज़ को वापस भी मांग रहे हो, इनका मन है कि चलो उस चीज़ को भूल जाओ, मैं तुम्हारी बाकी इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब आई विल मैरी यू। अभी भी ये पर्सन ऐसा लगता है कि फॉल्स प्रॉमिस दे रहा है, अभी भी ये पर्सन मतलब लगा हुआ है अपनी बातों को सही करने में। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, और ना वो प्यार का वास्ता दे रहे हैं, प्यार का हवाला दे रहे हैं। देखो, इस पर्सन की बिल्कुल इच्छा है आपके साथ फैमिली बनाने की, फैमिली करने की, और इनफैक्ट बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी बोल रही है कि ये ना अपने परिवार को बता नहीं पा रहे कि आपने उनकी कितनी मदद की है, अपने परिवार के सामने ये बोल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि आपने इनकी कितनी हेल्प की है, क्योंकि इस चीज़ को ये छुपा के रखना चाहते हैं। बस इस चीज़ का इनको डर है कि आप कहीं भंडाफोड़ ना करो, जजमेंट की एनर्जी, और यहाँ पे ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये इंसान अकेले में लगा हुआ है कि किस तरीके से आपको और उनकी परिवार की जितनी भी लड़ाई है उसको दूर रखें। ऐसा लग रहा है कि इनका मन है कि जितना ज़्यादा ये आपसे कनेक्टेड रहें उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये जो पैसों वाला मैटर है उसको ये सॉर्ट आउट करें। ये नहीं चाहते कि आपका पैसा लेके चले जाए, इससे आपके जो लव वाला रिलेशन है ना उसमें भी कड़वाहट आई है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपने इनको गिफ्ट की है प्यार से, तब तो इनको रख लिया इन्होंने, पर जब देने की बारी आई है तब ये पर्सन पीछे हट रहे हैं। ठीक है, एक इन्होंने आपके ऊपर एक चीज़ तक खर्च नहीं किया, मतलब जब भी प्यार, तो ठीक है प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन एक अफेक्शन की तरह, एक रिस्पेक्ट की तरह इन्होंने कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं दी है जो आप कहीं ना कहीं इनसे डिजर्व करते थे। जो आप कहीं ना कहीं इनसे चाहते थे, ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है इस समय। ये चीज़ आपके मन में डाउट लग दे रही है कि क्या मैं वर्दी नहीं हूँ, क्या मैं डिज़र्व नहीं करती इस प्यार का, क्या मुझे भी वो सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ये बहुत सेल्फिश टाइप के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके आपकी एनर्जीज़ ले ली, पर जब काम भर गया, मन भर गया, तो अपने रास्ते चल दिए। आई एम सॉरी, इस पर्सन की एनर्जी अभी भी यही है कि बहुत क्लोज्ड, बहुत कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, किसी जवाब के नाम पे बस इनके पास एक ही प्लेयर कार्ड है, वो है प्यार। ठीक है, एक ही प्लेयर कार्ड है कि आई लव यू, मुझे प्यार है, प्यार से रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना इन प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेशन हो रही है, हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। अभी तक ये इंसान अगर आपसे बात अवॉइड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यानी कि कम्युनिकेशन वाला कार्ड आ रहा है। बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है, मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है,
और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही ये पर्सन अगर खुद ना है ना आपको सामने दिखेंगे ज़रूर, आप उनसे बात कर पाओगे, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सच सामने आ रहा है। हो सकता है मिलकर ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करे, पर आपको बहुत पेशेंसली बात करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रिश्ते को लेकर भी, टेम्परेंस की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर भी, और आप दोनों के बीच में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें बिगड़ी हैं या जो भी इशू है, फ्यूचर में आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगले 8 घंटे में कुछ ना कुछ एक, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्दा खुल रहा हो स्टेज पे, ऐसा लग रहा है एक तरीके से आपको क्लैरिटी मिल रही हो, मतलब जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो चीज़ आपके सामने परोसी जा रही हो। ठीक है, रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा।